करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है उसको, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम टॉपिक को पढ़ रहे एलेलिक इंटरेक्शंस, ठीक है गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, एलेलिक इंटरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो एलील्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, और एक बार के लिए ऐसा समझते हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। और इस होमोलोगस क्रोमोसोम का हम एक रीजन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन हमने कंसीडर कर लिया, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसका एक रीजन जो है वो हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, और इसके ऊपर का ये वाला रीजन अगर हम कंसीडर करें ऐसे, तो मान लो दिस इज कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी है, दिस इज स्मॉल टी और ये स्मॉल टी है। नाउ हम क्या कह रहे हैं अलग इंटरेक्शन में, कि ये जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इन दोनों के बीच में एलिलिक इंटरेक्शन कैसा है, ये दो एलील्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बार बार इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर डिस्कस किया था, कैसे, कि ये देखो अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को साथ में रखें, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को साथ में रखेंगे तो यहां पर आता है टॉल, जबकि हमें क्लियरली पता है कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस और स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस, ठीक है, कैपिटल टी टॉल लाता है, स्मॉल टी डॉर्फ लाता है। लेकिन अगर हम साथ में रखें तो कैपिटल टी का क्या करेगा, टॉल लाने की कोशिश करेगा, स्मॉल टी क्या करेगा, डॉर्फ लाने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आता क्या है, टॉल आता है। इसका हम सिंपली ये कहेंगे यहां पर कैपिटल टी जो है इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, मतलब यहां पर कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहां पर कंप्लीट डोमिनेंस, दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस। और हमें पता है कंप्लीट डोमिनेंस का अगर हम रेशियो निकाले तो एक तो पता है जो जीनोटिपिक रेशियो होता है और एक होता है कौन सा, फिनोटिपिक रेशियो, वन इज जीनोटिपिक रेशियो और अनदर वन इज फिनोटिपिक रेशियो। तो गाइस जो जीनोटिपिक रेशियो होगा दैट इज 1:2, 2:1 होता है, और जो फिनोटिपिक रेशियो होता है गाइस दैट इज 3:1, फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, इट मींस देयर आर 3 टॉल एंड 1 इज डॉर्फ। में कैपिटल टी एक बार देखने को मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार देखने को मिलता है, और स्मॉल टी एक बार देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या कह सकते हैं, ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और नो, अब यहां पर आराम से समझने की कोशिश करते कि ये कंप्लीट डोमिनेंस क्या है। सबसे पहले अलीक इंटरेक्शन जो है गाइस, थ्री टाइप्स के होते हैं अलीक इंटरेक्शन। सबसे पहला टाइप जो होता है दैट इज डोमिनेंट रिसेसिव इंटरेक्शन, वेरी फर्स्ट इज डोमिनेंट रिसेसिव इंटरेक्शन। सेकेंड जो होता है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
सेकेंड इंटरेक्शन जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और जो थर्ड टाइप का अल्लिक इंटरेक्शन है दैट विल बी कोडोमिनेंस। थर्ड टाइप का जो है वो कोडोमिनेंस होगा। सो अल्लिक इंटरेक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक डोमिनेंस रिसेसिव इंटरेक्शन, डोमिनेंट रिसेसिव इंटरेक्शन, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और तीसरा जो होता है दैट इज कोडोमिनेंस। ठीक है, दो अलील्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज अलील, अलील्स क्या होते हैं, अलील्स जो है उसको हमने डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, अलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन रिसाइड्स ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, रिसाइड्स एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, उसको हमने अलील कहा था। अब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपके सामने दिख रहे, एक कैपिटल टी और उसका अलील यहां पर है स्मॉल टी, स्मॉल टी का अलील कैपिटल टी। तो ये अलील्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन हम देख रहे, तो पहला इंटरेक्शन जो हमने यहां पर देखा दैट इज डोमिनेंट रिसेसिव इंटरेक्शन। इसका मतलब वन अलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अनदर अलील इज कॉल्ड एज डोमिनेंट रिसेसिव इंटरेक्शन। कैसे होगा ये, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमारे पास एक सेल है और इस सेल में यहां पर कहीं पर कैपिटल टी है, हमारे पास और एक सेल है और इस सेल में यहां पर कहीं पर हमारे पास स्मॉल टी है। ठीक है, अब कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इस कैपिटल टी से ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होके उससे प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन यहां पर काम करता है एक एंजाइम की तरह। ठीक है, और वो एंजाइम है GA3 ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या है, GA3 ऑक्सीडेज। ये GA3 ऑक्सीडेज क्या करता है, एक सिंपल सा काम करता है GA3 ऑक्सीडेज, और वो जिबरलिक एसिड 20 होता है, उस जिबरलिक एसिड 20 को ये जिबरलिक एसिड 1 में कन्वर्ट करता है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जिबरलिक एसिड 20 जो है ये जिबरलिक एसिड की इनएक्टिव फॉर्म है, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, और ये जिबरलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म है। और हमें पता है प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने के लिए जिबरलिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहां पर जिबरलिक एसिड जो है उसकी वजह से प्लांट की हाइट क्या होगी, टॉल। ठीक है, हम ये कह रहे हैं ना, अभी पहले इंट्रोड्यूस करता हूं, हम आराम समझेंगे। स्मॉल टी है, स्मॉल टी भी यहां पर एक एंजाइम बना रहा है, बट ये एंजाइम जो है ये म्यूटेंट एंजाइम है, और ये म्यूटेंट एंजाइम कैन नॉट डू दिस कन्वर्जन, GA20 इज नॉट कन्वर्टेड इन टू जिबरलिक एसिड 1, ये जो है इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन है। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को साथ में रखा तो प्लांट की हाइट क्या होनी चाहिए, तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ वन अलील इज सफिशियंट, अगर एक अलील का प्रोडक्ट सफिशियंट होगा तो प्लांट की हाइट क्या होगी, टॉल होगी, और हम कहेंगे कि वो फिनोमेना कौन सा होगा, डोमिनेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ना, यहां पर दो टाइप्स के, यहां पर दो अलील से, अगर मैं इस कैपिटल स्मॉल टी की जगह यहां पर कैपिटल टी रख दूं, इफ आई प्लेस कैपिटल टी इन प्लेस ऑफ स्मॉल टी, तो कैपिटल टी को रखा तो अब दोनों साइड से यहां से भी एक्टिव जुबरेसिल बनेगा और इस जगह से भी एक्टिव जुबरेसिल बनेगा। अगर दोनों अलील से एक्टिव फॉर्म ऑफ जिबरलिक एसिड बन रही है तो डेफिनेटली 101% वो प्लांट टॉल होगा, बट अगर
एक अलीले वो ही उससे बनने वाला एंजाइम ही, ठीक है, एंजाइम प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल अलील इज रिस्पॉन्सिव इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्ट फिनोटाइप, ठीक है, मतलब कैपिटल टी जो है उससे बनने वाला जो एंजाइम है, अगर एक ही एंजाइम इनएक्टिव जिबरेलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस एंजाइम से जितने भी इनएक्टिव जिबरेलिक एसिड एक्टिव जिबरेलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे, क्या वो सफिशिएंट है क्या प्लांट की हाइट को टॉल करने के लिए? अगर वो है तो फिर हम यहां पर कहेंगे कि सफिशियंसी हो रही हैप्लोसफिशियंसी यहां पर है, मतलब क्या सिंगल अलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंट फिनोटाइप, और हमने देखा भी है, मैंने क्या कहा आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो प्लांट की हाइट टॉल होगी। अब उसी कंडीशन को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देख रहे और यहां पर समझ रहे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो स्मॉल टी से यहां पर कोई भी एक्टिव जिबरेलिक एसिड नहीं बन रहा है। अब क्यों? इसके कई सारे रीजंस गाइस यहां पर हो सकते हैं, कई सारे रीजंस हो सकते हैं यहां पर। एक रीजन ये भी हो सकता है इसका सिंपल वाला कि मान लो कि ये जो स्मॉल टी है इस स्मॉल टी के अंदर म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, अगर ये कैपिटल टी होता तो यही ये भी जिबरेलिक एसिड जो है इनएक्टिव फॉर्म का उसको एक्टिव फॉर्म मिलाता, लेकिन अब इसके अंदर क्या हो चुका है म्यूटेशन हो चुका है इसलिए ये इनएक्टिव जिबरेलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म ले जा रहा है। या फिर ऐसा होता होगा म्यूटेशन के कई सारे तरीके, हम कैसे कहें कि एंजाइम बनेगा और म्यूटेंट एंजाइम काम नहीं कर रहा है इसलिए एक्टिव जिबरेलिक एसिड नहीं बन रहा है। इसके अलावा गाइज ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये स्मॉल टी है, ठीक है, इस स्मॉल टी के अंदर ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से प्रोटीन मिसफोल्ड हो रहा है, बार बार मिसफोल्डिंग हो रही है, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन, तो उसको फिर से करेक्ट फोल्डिंग का चांस दिया जाएगा और तो इसको डिग्रेड किया जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई जगह पर एक पोलर अमीनो एसिड था और वो पोलर अमीनो एसिड अब नॉन पोलर से रिप्लेस हो गया है, या फिर नॉन पोलर अमीनो एसिड जो है वो पोलर से रिप्लेस हो गया, इसमें से कुछ भी हो सकता है ना, पोलर से नॉन पोलर, नॉन पोलर से पोलर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर इस टी के प्रोमोटर में ही म्यूटेशन हो गया तो अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा और ये जीन कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि म्यूटेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, म्यूटेशन कुछ भी हो सकता है, बस अल्टीमेटली हमें क्या पता है एक अलील ऐसा है उससे बनने वाला एंजाइम या उससे एंजाइम नहीं बन रहा है, इसकी वजह से वो इनएक्टिव जिबरेलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो अब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ एक अलील पे टिकी हुई है और वो अला अलील ये है। अगर इस अलील ने इतने एंजाइम्स बना लिए कि जो इतने सफिशिएंट इनएक्टिव जिबरेलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में लाए जिसकी वजह से प्लांट की हाइट टॉल हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो सफिशिएंट है और फिनोटाइप क्या आएगा टॉल। इसलिए यहां पर आप समझ सकते हो गाइस कि अगर दो अलील्स एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी उनको एक साथ रखा गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी को, तो फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट आएगा, लेकिन डोमिनेंट तभी आएगा व्हेन अलील इज सफिशिएंट, हैप्लोसफिशिएंसी वहां पर होगी तो ही यहां पर क्या आ जाएगा डोमिनेंट फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात को, एस और नो? तो चलो आपको अगर मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी तो फटाफट से सेशन को आपको यहां पर लाइक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से डोमिनेंट और रिसेसिव इंट्रैक्शन होता है। अब एक चीज समझे ना गाइस, ये जो अलील है यहां पर दिस अलील इज डोमिनेंट, ठीक है, आराम समझो, एंड दिस अलील इज रिसेसिव। अब मुझे ये बताइए आप लोग, जो डोमिनेंट अलील है, जो डोमिनेंट अलील हमें यहां पर दिख रहा है, क्या उस डोमिनेंट अलील ने रिसेसिव अलील को इनहिबिट किया? क्या उस डोमिनेंट अलील ने रिसेसिव को इनहिबिट करने की कोशिश की? क्या कुछ भी नहीं किया ना, तो फिर रिसेसिव अलील से फिनोटाइप क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज रीजन इज सिंपल, रिसेसिव अपने कर्मों से वो रिसेसिव है। अगर रिसेसिव के अंदर म्यूटेशन हुआ है, वो फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से वहां पर वो डोमिनेंट फिनोटाइप को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। हमेशा ध्यान में रखना,
कोई अलील अगर डोमिनेंट है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिसेसिव अलील को इनहिबिट करता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, ठीक है। डोमिनेंट अलील अपना अपना काम करता है, रिसेसिव अलील जो है अपना अपना काम करता है, या फिर रिसेसिव अलील अपना काम अच्छे से नहीं करता इसलिए वो रिसेसिव होता है। अगर मान लो आपकी क्लास में यहां पर इस ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब के ऊपर बार बार कोई एक स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसके क्वेश्चन का जवाब दूं, ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन पूछने से रोक रहा है क्या? वो आपको क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल नहीं रोक रहा है। आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो पूछ रहा है आप भी पूछ सकते हो, लेकिन आप नहीं पूछते तो आप अपने इस तरीके से हो ना। उसने बोला कि आपको नहीं, इस क्लास में सिर्फ मैं ही क्वेश्चन पूछूंगा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसने आपको ब्लॉक किया क्या? नहीं किया ना। वो आपको भी इक्वल चांस दे रहा है, वो खुद भी कर रहा है, तो यही ऐसा यहां पर भी ऐसा होता है। ऐसा मत समझिए कभी भी कि डोमिनेंट है तो दूसरों को इनविट करता होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव। तो यहां पर क्लियर हम क्या कहेंगे, वन अलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अनदर। एक अलील जो होगा वो दूसरे अलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होगा, इसलिए हम यहां पर क्या कहेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव इंटरेक्शन। क्लियर गाइस? उसके साथ साथ ये देखो यहां पर सिंपल समझ सकते हो ये चीज कि डोमिनेंट रिसेसिव में जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो आता है 1:2:1, और जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है दैट इज 3:1। क्लियर? तो जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। क्लियर? नाउ अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम जाते हैं और चीजों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि अलील और अलील के बीच में डोमिनेंस रिसेसिव इंटरेक्शन हो सकता है। अब हमें पढ़ना है इनकंप्लीट डोमिनेंस। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इनकंप्लीट डोमिनेंस। क्लियर गाइस? तो एक चीज आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझनी है सब लोगों को कि आईएफएस का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है 22nd of November से। गाइस 22nd of November से आईएफएस का लाइफ साइंस का क्रैश कोर्स, जब अगर आप 29 जनवरी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हैं और अपने सक्सेस की तरफ एक स्टेप जो है अहेड जा सकते हो। गाइस बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है, आराम से आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपके सक्सेस होने की जो चांसेस है वो 100 times बेटर होंगे अगर आप हमारा क्रैश कोर्स जो है उसको पढ़ोगे तो। यू विल रियली एंजॉय, आप बहुत एंजॉय करोगे, इतना बढ़िया क्रैश कोर्स वहां पर बना हुआ है। उसके साथ साथ अभी क्या करना है आपको, इतना बढ़िया तरीके से हमने और एक बार डोमिनेंस और रिसेसिव इंटरेक्शन को समझ लिया है, तो फटाफट से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से जल्दी वो सारे स्टूडेंट्स सेशन को लाइक करें, बी क्विक, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं दैट इज एंटी हाइरनम का एग्जांपल लेने वाले, ठीक है, दैट इज स्नैप ड्रैगन प्लांट जो है उसका एग्जांपल लेने वाले। सी सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो हमें पता है कि हमारे पास रेड कलर का फ्लावर है और रेड का क्रॉस अगर हम व्हाइट के साथ करते हैं, ठीक है, रेड का क्रॉस अगर हम व्हाइट के साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर का क्रॉस अगर हम स्मॉल आर के साथ करते हैं, तो पहली चीज हमें F1 में क्या मिलेगा, तो F1 में मिलेगा हमें कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, एक साइड से कैपिटल आर आएगा, यहां से दो कैपिटल आर है। हमें पता है हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर्स होते, दो अलील्स होते, बट आउट ऑफ टू फैक्टर्स और अलील्स ओनली वन इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, दोनों में से सिर्फ एक है
वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो मान लो कैपिटल आर जो है वो आगे जाएगा, कैपिटल आर जो है वो आगे जाएगा, या फिर इस साइड से स्मॉल आर जो है वो आगे जाएगा, ठीक है, इसलिए कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। तो अब मुझे आप बताइए गाइस, यहां पर F1 में फिनोटाइप क्या आएगा, व्हाट विल बी द फिनोटाइप इन F1? अगर हम आइडियल देखें और कंप्लीट डोमिनेंस के हिसाब से देखें तो हमें यहां पर फिनोटाइप मिलना चाहिए रेड, हमें यहां पर फिनोटाइप मिलना चाहिए क्या रेड, बट ऐसा होता नहीं है, हमें यहां पर रेड फिनोटाइप नहीं मिलता, हमें रेड मिलना चाहिए था बट हमें मिलता है पिंक, हमें क्या मिला पिंक। व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों? अभी तो हम कह रहे थे कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी को साथ में रखा जाए तो टेल आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को साथ रखा जाए तो डोमेन एक्सप्रेस करेगा, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर को यहां पर साथ रख रहे तो यहां पर पिंक क्यों आ रहा है? व्हाई दिस इज सो, इसका रीजन क्या है? और फिर हमने जब इसकी सेल्फिंग की तो F2 में हमें क्या मिला? तो F2 में हमें 1:2, 2:1 का रेशियो मिला, जहां पर एक जो था वो रेड मिला, दो जो थे हमें पिंक मिले, और एक जो था हमें व्हाइट मिला। ऐसा क्यों आया? इसका रीजन क्या था कि एक हमें रेड मिला, एक व्हाइट मिला और दो पिंक मिले, क्या रीजन इसका, ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी समझना है यहां पर। तो इसमें हम अगर आराम से समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा यहां पर एक चीज आपको समझनी है, ठीक है, अगर हम F1 की सेल्फिंग करते, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, इसका सेल्फिंग किया, मतलब क्या किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां पर हमें अगर पंडित स्क्वायर में हम इसको रखेंगे तो सिंपल तरीके से क्या पता चलता है, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो एक साइड पे क्या आएगा कैपिटल आर और दूसरे साइड पे क्या आएगा स्मॉल आर, यहां पर भी एक साइड पे स्मॉल आर और एक साइड पे कैपिटल आर, है ना, ठीक है। तो आराम से समझने की कोशिश करते हैं गाइस, तो एक साइड पे आ गया कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये एक साइड पर रख दो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, तो इस कॉलम में क्या आएगा, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर और यहां पर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर जो है वो क्या लाएगा रेड। देखो ना यहां पर कैपिटल आर ने क्या लाया था रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर ने क्या लाया था स्मॉल आर इज व्हाइट, कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो क्या आएगा पिंक, और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या आएगा पिंक। ऐसा क्यों हो रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो पिंक आ रहा है और कैपिटल आर जो है वो रेड आ रहा है, तो व्हाई दिस इज सो, बिकॉज यहां पर हम ये कह सकते हैं बोथ एलील्स आर नॉट डोमिनेंट, ठीक है, बोथ एलील्स आर नॉट डोमिनेंट, दोनों भी एलील्स डोमिनेंट नहीं है, एंड बोथ एलील्स कंट्रीब्यूट फॉर फिनोटाइप्स, दोनों एलील्स जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं कहां पर फिनोटाइप के लिए, बोथ एलील्स
कंट्रीब्यूट फॉर फिनोटाइप, मतलब फिनोटाइप जो मिलता है, बनता है वो दोनों अलील से मिलकर बनता है। अगर कैपिटल आर डोमिनेंट होता तो हमें रेशियो 3:1 मिलता, 3 red 1 white, इफ कैपिटल आर वाज डोमिनेंट। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर कैपिटल आर डोमिनेंट नहीं है, और अगर स्मॉल आर डोमिनेंट होता तो हमें व्हाइट मिलता, बट स्मॉल आर भी डोमिनेंट नहीं है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, नाइदर अलील वन इज डोमिनेंट, नाइदर अलील वन इज डोमिनेंट नॉर अलील टू इज डोमिनेंट, नॉर अलील टू इज डोमिनेंट। मतलब अलील वन भी डोमिनेंट नहीं है और अलील टू भी डोमिनेंट नहीं है, आर भी डोमिनेंट नहीं है कैपिटल और स्मॉल आर भी डोमिनेंट नहीं है, कैपिटल आर भी डोमिनेंट नहीं है और स्मॉल आर भी डोमिनेंट नहीं है। इसलिए F1 में जहां पर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है वहां पर आप देखोगे गाइस, ना तो रेड आया है ना ही पिंक आया है। अगर आर डोमिनेंट तो रेड आता, कैपिटल आर डोमिनेंट तो रेड आता, स्मॉल आर होता तो व्हाइट आता, बट ना ही रेड आया है ना ही व्हाइट आया है, यहां पर क्या है, पिंक आया है, पिंक। यस और नो? व्हाई दिस इज सो? अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब यहां पर आप समझो आराम से कि अगर ये आगे बढ़े हम और इसमें आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मेरे पास एक जीन है, यहां पर हम कंडीशन देते, यहां पर एक जीन है और वो है कैपिटल आर का, और यहां पर एक जीन है वो है स्मॉल आर का, या फिर कैपिटल आर लीजिए। तो इस कैपिटल आर से एक एंजाइम बन रहा है, इस कैपिटल आर से भी एक एंजाइम बन रहा है, जिसकी वजह से एक सब्सट्रेट यहां पर, दैट इज ग्रीन सब्सट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू रेड, यहां पर भी ग्रीन सब्सट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू रेड। और आपको पता है यहां पर रेड और रेड को मिक्स करके रेड ही आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी है गाइस, यहां पर दिस कंडीशन इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ले तो यहां पर एक स्मॉल आर है, यहां पर भी एक स्मॉल आर है, यहां से एक एंजाइम बना, यहां से भी एक एंजाइम बना। ठीक है, ये ग्रीन को व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है और ये एंजाइम ग्रीन को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली गाइस, यहां का व्हाइट और यहां का व्हाइट मिक्स होके क्या बनेगा, व्हाइट ही बनेगा। एस और नो? यहां का व्हाइट और यहां का व्हाइट मिक्स होके व्हाइट ही बनेगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, जहां पर दोनों भी अलील्स स्मॉल आर है।
homozygous dominant because both the alleles are dominant. Yes or no? Yes. Devshala, good afternoon. Good afternoon, everyone. यहां तक फटाफट से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से जल्दी वो सेशन को लाइक करें। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए गाइज, ये क्रैश कोर्स हमारा मंडे से स्टार्ट हो चुका है। अभी तक अगर आपने इसको परचेस नहीं किया है, आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसको IFS के साथ ज्वाइन कर सकते हो। 22 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारी बात करते इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। लेकिन जब हम हेटरोजाइगस कंडीशन की बात करते हैं, अगर हम हेटरोजाइगस कंडीशन की बात करते हैं और हेटरोजाइगस कंडीशन में You can see यहां पर कैपिटल R है और इस जगह पर स्मॉल R है, ठीक है। एक जगह पर कैपिटल R है और एक जगह पर स्मॉल R है, तो कंडीशन कैसी होगी? हेटरोजाइगस। अब इससे बनने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या करेगा? ग्रीन जो है ऑब्वियसली रेड क्या करता है, ग्रीन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? रेड के अंदर, है ना। और यहां पर जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर, दैट स्मॉल आर इज कन्वर्टेड इनटू, ये स्मॉल आर जो है यहां पर वो क्या करेगा, तो वो ग्रीन सबस्ट्रेट को व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा। ग्रीन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट। तो गाइस यहां से आएगा व्हाइट, यहां से आएगा रेड और यहां पर मिक्स होके क्या बनेगा? पिंक। तो हेटरोजाइगस कंडीशन में यू कैन सी You are getting pink color. आपको यहां पर क्या मिल रहा है? पिंक कलर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि रेशियो जो है वो आ रहा है 1:2:1। क्या रेशियो आ रहा है आपका? 1:2:1। अब ये तीन चीजें आपको यहां पर अच्छी समझनी है। होमोजाइगस कंडीशन है तो दोनों भी कैपिटल अलील आर है। स्पेसिफिक लेवल में बात करूं होमोजाइगस डोमिनेंट की, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में कैपिटल आर है, दोनों से फंक्शनल एंजाइम बनेगा और वो एंजाइम ग्रीन कलर को कन्वर्ट करेगा रेड में। ग्रीन का कन्वर्जन रेड में होगा। स्मॉल आर से बनने वाला जो एंजाइम है वो ग्रीन को रेड में नहीं कन्वर्ट कर पाता, ग्रीन को वो व्हाइट में कन्वर्ट कर पाता है। और जो हेटरोजाइगस कंडीशन है वहां पर जो कैपिटल आर वाला है वो ग्रीन को रेड में कन्वर्ट करता है और स्मॉल आर वाला ग्रीन को व्हाइट में कन्वर्ट करता है। व्हाइट और रेड से आपको देखने को मिलेगा पिंक कलर। एक चीज आप बहुत अच्छे से समझो, जो डोमिनेंट और रिसेसिव इंटरेक्शन था उसमें आपको हमेशा डोमिनेंट जो है वो अपना फिनोटाइप दिखाता है, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना तो अलील वन का फिनोटाइप आता है और ना ही अलील टू का फिनोटाइप आता है, यहां पर हमें कोई तीसरा ही फिनोटाइप देखने को मिलता है, दैट इज पिंक। वी आर एक्सपेक्टिंग आए, हम एक्सपेक्ट कर रहे व्हाइट आए, बट ना तो रेड आ रहा है ना ही व्हाइट आ रहा है कौन सा? पिंक। दिस टाइप ऑफ अलीक इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
गेटिंग इट और नॉट? आप मेरी बात को समझ रहे हो गाइस? एस तो नो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आई है. क्लियर है? यस, बी क्विक गाइस, बताओ जल्दी से जल्दी. ठीक है, अब इसमें और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ठीक है, तो उसमें देखो एक चीज है हमारे पास यहां पर, दैट इज जीनोटिपिक रेशियो, और दूसरा जो हमारे पास है गाइस दैट इज फिनोटिपिक रेशियो. एक है जीनोटिपिक रेशियो और एक है फिनोटिपिक रेशियो. टेल मी फास्ट, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस? इनकंप्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक रेशियो क्या है? यस, बताओ जल्दी से. यस ओम शंकर शुक्ला, बिल्कुल रिवाइज करेंगे, समराइज करेंगे. तो हमें टोटल कितने मिले? एक, दो, तीन, चार हमें टोटल मिले. चार में से कैपिटल आर, कैपिटल आर कितने मिले हैं? एक. कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार मिला है? दो. स्मॉल आर स्मॉल कितनी बार मिला है? एक. तो आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया? 1:2, 2:1. What will be your phenotypic ratio? Phenotypic ratio क्या है? वो भी आपका 1:2, 2:1 है. Phenotypic ratio भी आपका 1:2, 2:1 है. वन क्या आ रहा है आपका? रेड आ रहा है. टू क्या आ रहा है आपके? पिंक आ रहे. और वन क्या आ रहा है आपका? रेड आ रहा है, सॉरी व्हाइट आ रहा है. सो इन सिंपल मैनर व्हाट वी कैन से, इन केस ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस, इन केस ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस, बोथ In case of incomplete dominance, both genotypic and phenotypic ratio are same. अगर हम incomplete dominance की बात करें तो उसमें हम क्या करें? जो genotypic ratio है and phenotypic ratio है, both the ratio are same in case of incomplete dominance. But जो dominance recessive interaction है guys, उस dominance recessive interaction में आप देखो, हमने clearly यहां पर लिखा है genotypic ratio is 1:2:1, but phenotypic ratio is 3:1. तो dominant recessive interaction में genotypic ratio and phenotypic ratio are डिफरेंट. ठीक है, तो इन केस ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव इंटरेक्शन फिनोटिपिक फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर डिफरेंट. फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर डिफरेंट. जीनोटिपिक क्या है? 1:2:1, और फिनोटिपिक क्या है? 3:1. ठीक है, अब जैसे हमें यहां पर किसी ने बोला है कि सर एक बार समराइज कर दो, अब जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर है जो थोड़े लेट से ज्वाइन हुए होंगे, उनके लिए एक बार मैं सारी चीजें समराइज करता हूं. तो ध्यान से फोकस से चीजों को समझने की कोशिश करो. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था आज अलीक इंटरेक्शन, और उस अलीक इंटरेक्शन में हमने कहा
कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं उनके ऊपर सेम लोकस पे जो अलेल्स रिसाइड करते हैं वो तीन टाइप्स के इंटरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। एक होता है डोमिनेंट रिसेसिव इंटरेक्शन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और तीसरा होता है कोडोमिनेंस। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। मेंडल का डेविएशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसमें हम क्या करें, अगर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ रखेंगे तो हमेशा टॉल आएगा, ये हमें पक्का पता है। ऐसा क्यों होगा, व्हाई वी आर गेटिंग टॉल, बिकॉज कैपिटल टी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। कैपिटल टी है वो कंप्लीटली स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए हमें यहां पर टॉल आ गया। फिर इसका रेशियो हमें पता था, डायबिटिक क्रॉस हमने पढ़ लिया है, इवन हमने डायबिटिक क्रॉस भी पढ़ लिया है, इसका रेशियो हमें पता है। तो हमने क्या कहा, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, तो उसका जुंडवी रेशियो आता है 1:2:1, और फिंडवी रेशियो आता है 3:1। अब ये डोमिनेंट कैसे होता है, क्या होता है, एक बार हम उसको यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, कल जो हमारा टाइमिंग होगा वो 5 बजे होगा, कल हमारा जो रेगुलर टाइम है 5 PM उसके ऊपर ही मिलेंगे। डेली हमारी क्लासेस जो है वो 5 PM ही होगी, बस आज के दिन आपका क्लास जो है थोड़ा सा अर्ली किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहां पर ये जो डोमिनेंट है, यहां पर कैपिटल टी है और यहां पर स्मॉल टी है। तो हमने कहा था कैपिटल टी से क्या बनेगा, एक ऐसा एंजाइम बनेगा जो इनएक्टिव जुबरिक एसिड को एक्टिव जुबरिक एसिड में लाएगा, स्मॉल टी से एक ऐसा एंजाइम बनेगा जो इनएक्टिव जुबरिक एसिड को एक्टिव जुबरिक एसिड में नहीं ला सकता। तो एक साइड से आपको मिला है फंक्शनल एंजाइम, दूसरे साइड से आपको मिला है नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो यहां पर एक ही अलील काम कर रहा है, दूसरा अलील काम नहीं कर रहा है। जो काम कर रहा है फिन टाइप को कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज डोमिनेंट। जो काम नहीं कर रहा है, फिन टाइप को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, दैट इज रिसेसिव। इफ ओनली वन एलील इज सफिशियंट टू मेक द प्रोडक्ट और टू मेक द फिन टाइप डोमिनेंट, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कंप्लीटली डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर। इसको हम क्या कह रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंस, या इसी को हम कह रहे हैं डोमिनेंस रिसेसिव इंटरेक्शन। दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंटीवायरम सैपड्रैगन एग्जांपल लिया है। हम क्या कह रहे हैं, यहां पर एक अलील कैपिटल आर, दूसरा अलील स्मॉल आर। तो कैपिटल आर होगा तो फ्लावर का कलर रेड होगा, स्मॉल आर होगा तो फ्लावर का कलर जो है वो व्हाइट होगा। एक्चुअल में ये जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक आएगा, आना क्या चाहिए था ऑब्वियसली रेड, बट रेड आता अकॉर्डिंग टू कंप्लीट डोमिनेंस, बट दिस इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, यहां पर पिंक आता है और इसका हम सेल्फिंग करें तो रेशियो क्या आता है 1:2:1, दैट इज 1 इज पिंक रेड, 2 आर पिंक और 1 इज व्हाइट। कैसे, तो ये देखो जब हमने F1 की सेल्फिंग की कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ किया, अब देखो एक साइड पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, दूसरे साइड पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो यहां पर आपको क्या मिला, कैपिटल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जहां पर कैपिटल आर होगा वो रेड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो वो पिंक होगा, और स्मॉल आर होगा तो वो व्हाइट होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया गाइस, फटाफट से जल्दी सेशन को लाइक करो, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो दो अलील, लेकिन इसमें से आपको ध्यान रखना है जो अलील 1 है वो भी डोमिनेंट नहीं है, अलील 2 है वो भी डोमिनेंट नहीं है, नाइदर अलील 1 इज डोमिनेंट नॉर अलील 2 इज डोमिनेंट। अलील 1 भी डोमिनेंट नहीं है, अलील 2 भी डोमिनेंट नहीं है, बोथ अलील्स आर नॉट डोमिनेंट, दोनों भी फिनोटाइप को कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए फिनोटाइप जो है वो कोई तीसरा आएगा, ठीक है। कैपिटल आर रेड ला रहा था, स्मॉल आर व्हाइट ला रहा था, अब या तो फिनोटाइप में हमें रेड दिखना चाहिए या व्हाइट दिखना चाहिए, बट ना तो हमें रेड दिख रहा है और ना ही हमें व्हाइट दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है पिंक। इसका मतलब अलील 1 का भी फिनोटाइप नहीं आता, अलील 2 का भी फिनोटाइप नहीं आता, फिनोटाइप कोई तीसरा ही आता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप यहां पर देख रहे हो, अगर हमने रेशियो निकाला, चाहे वो आप जुंडबिक रेशियो निकालो, चाहे आप
पिंटिपिक रेशियो निकालो, ये जीनोटिपिक और पिंटिपिक रेशियो बोथ द रेशियोज आर सेम, दैट इज 1:2, 2:1, दोनों रेशियो क्या होते सेम होते, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, पिंटिपिक रेशियो 1:2:1, और क्या कैसे यहां पर मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्लियर है यहां पर, एस और नो, और फिर ये कैसे आएगा इसका ये पूरा लेखा जो का आपके सामने यहां पर स्क्रीन के ऊपर बहुत ही बेटर तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहां पर मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, क्लियर। तो देखो आप होमोजाइगस डोमिनेंट जो है उसमें कैपिटल आर है तो वो फंक्शनल एंजाइम बनेगा, होमोजाइगस स्थिति में यहां पर भी एंजाइम बनेगा वो भी काम करेगा, बट कैपिटल आर से बनने वाला एंजाइम ग्रीन को रेड में कन्वर्ट करता है और स्मॉल आर से बनने वाला एंजाइम ग्रीन को व्हाइट में ही कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो एक साइड से आप देखो यहां पर ग्रीन है और ग्रीन से क्या आएगा रेड, और एक साइड पे ग्रीन से क्या आएगा व्हाइट, तो व्हाइट और रेड जो है यहां पर क्या आएगा मिलकर पिंक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से गाइस हमारा ये क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, ठीक है, इस वीकेंड पे यानी कि सैटरडे के दिन, इस सैटरडे को हमारा होगा मेगा मेंटी क्विज, वी आर गोइंग टू कंडक्ट मेगा मेंटी क्विज, और गाइस इस मेगा मेंटी क्विज में हम क्या करने वाले, मेगा मेंटी क्विज में हम टॉप 3 विनर निकालेंगे, ठीक है, इस मेगा मेंटी वीक में हम 3 विनर निकालेंगे, इसमें आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सबसे पहले 4 दिसंबर 2021 को होगा मेगा मेंटी क्विज, और इस मेगा मेंटी क्विज होगा टाइम भी मैं आपको बताता हूं 5 PM, ठीक है, मेगा मेंटी के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे, कौन से जेनेटिक्स, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा सिलेबस यहां पर होगा, ठीक है। और इस मेगा मेंटी क्विज में लेट मी टेल यू जो टॉप 3 विनर्स होंगे यहां पर उसमें से रैंक 1 जो है एक होगा रैंक 2 और एक होगा रैंक 3, रैंक 1 लाएगा उसको मिलेगा IFS का फ्री क्रैश कोर्स, उसको IFS का फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा रैंक 1 को, रैंक 2 है तो उसको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज, रैंक 2 को मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज, और रैंक 3 को मिलेगा लाइफ साइंस का बुक, जिसको हम मॉड्यूल 16 भी कहते हैं, मॉड्यूल नंबर 16 मिलेगा उसको, लाइफ साइंस का बुक मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूं गाइस डेली आपको मेरे लाइव में रहना है, मेरी सारी बातों को समझना है अच्छे से, क्योंकि आप कभी भी, आप में से कोई भी कभी भी इस मेंटी क्विज का विनर बन सकता है गाइस। क्रैश कोर्स की प्राइस 8,499 रुपीज है, क्रैश कोर्स की प्राइस अभी के लिए, वो क्रैश कोर्स हम फ्री में कर रहे हैं, फ्री में। लाइफ साइंस का टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस 2,000-3,000 से, वो भी हम फ्री दे रहे हैं, या फिर लाइफ साइंस की जो बुक है मॉड्यूल नंबर 16 वो हम आपको देने वाले हैं। एक बहुत ही तगड़ा मेंटी क्विज जो है वो होगा सैटरडे को, लेट मी टेल यू गाइस
इस मिंटी क्विज के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर 10 होंगे. हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, तो 10 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है सर, जेनेटिक्स का सीरीज कंटिन्यू करो, स्पेशली पेडिग्री एंड रिकॉग्निशन करवा दो. करेंगे प्राजक्ता, सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने आपको जो बोला है क्या आप वो करने के लिए रेडी हो? आप मुझे 500 लाइव व्यूवर्स दो, मैं पूरा जेनेटिक्स ए टू जेड पढ़ाऊंगा, आई प्रॉमिस यू. बट मुझे उतने व्यूवर्स लाइव चाहिए. गुड इवनिंग सर, ये मेंटी क्विज फ्री होगा क्या? फीस वगैरह नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं. मेंटी क्विज ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में आप मेंटी क्विज ज्वाइन कर सकते हो. इसके लिए कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं. सिंपली आपको करना क्या है, सिर्फ एक कोड है मैं आपको दूंगा लाइव लेक्चर में, वो कोड आपको डालना है और मेंटी क्विज में पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, तो गाइस ये हमारा आज का सेशन था. आज के इस सेशन में हम इतना ही करेंगे. कल मिलते हैं शाम को 5 बजे. यहां से आगे हमारी क्लास एवरीडे 5 PM होगी. गाइस ये हमारे सारे लेक्चर्स सिर्फ लाइव चल रहे, बाद में आप इन लेक्चर को यूट्यूब के ऊपर नहीं देख सकते. तो जितने भी आपके फ्रेंड से, जो आपके जूनियर से, कलीग से, सीनियर से, कोई भी जो लाइफ साइंस पढ़ना चाहता है, उनको आप लाइव लेके आइए, तो ही उनका फायदा होगा. बाद में इन सेशंस को ये लोग नहीं देख सकते. क्लियर है? तो गाइस आज के सेशन में इतना ही करते हैं. मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस को. और कल हम मिलेंगे कितने बजे? शाम के 5 बजे. ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल. यस भारती, उतने में से ही क्वेश्चन आएंगे, उसके अलग से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे. जो टॉपिक मैं फ्राइडे तक पढ़ाऊंगा उसी के क्वेश्चंस आएंगे, और किसी भी चीज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ठीक है उर्मिला, यू आर वेलकम. यस प्री, वेलकम. वेलकम माधुरी, सुमन, शोभना, वेलकम गाइस, वेलकम एवरीवन. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. ठीक है,